मटर की खेती कैसे की जाती है और किस जगह की जाती है आपको पता है, और मटर की खेती के लिए कैसी जमीन अच्छी रहती है किसी भी फसल के लिए सबसे जरूरी होता है खेत की मिट्टी को तैयार करना। इसलिए मटर की खेती में भी सबसे पहले खेत को ही तैयार किया जाता है और खेत तैयार करने के लिए खरीफ की फसल यानी कि धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना या सोयाबीन की कटाई के तुरंत बाद ही खेतों में ट्रैक्टर को 3 से 4 बार दौड़ाकर उसे अच्छे से जोत लिया जाता है। दुनिया में ऐसी बहुत ही कम फसल है जिसमें पर्याप्त मात्रा में आयरन, लिंक, मैग्नीज और कॉपर के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट के भी गुण से भरपूर होने के साथ साथ वो इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी मददगार हो और बोनस के तौर पर उसमें कैलोरी भी एकदम ना के बराबर पाई जाती हो और इसी सांचे में फिट भी बैठता है हमारा और आपका एकदम गोल गोल मटर। लेकिन जुताई से पहले इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि खेत की मिट्टी ज्यादा सूखी या गीली ना हो और मिट्टी में एक खास लेवल पर नमी बनी रहे। मिट्टी के तैयार हो जाने के बाद बारी आती है तैयार हो चुके मिट्टी में मटर के हाई क्लास बीजों को रोकने की। वैसे बीजों को रोकने का काम पहले मजदूर हाथों से ही किया करते थे, लेकिन यह एक एडवांस इंडिया है इसलिए अब इन सभी कामों को मशीन की मदद से किया जाता है, जिसमें एक ऑटोमेटिक मशीन में मटर के इन छोटे छोटे बीजों को डाल दिया जाता है, जिसके बाद ये बीज खेतों में एक बराबर दूरी के गैप पर इन बीजों को जमीन में कुछ इस तरह से रोप देते हैं। इस काम को हाथ से करने में पहले घंटों लग जाते थे, लेकिन ये मशीन इस काम को चुटकियों में निपटा देता है। खेत जोतने और उसमें बीज रोपने के बाद किसानों को एक सबसे जरूरी चीज करना होता है और वो है इंतजार। और करीब 3 से 6 हफ्ते इंतजार करने के बाद मटर की खेती में नमी और शीत ऋतु की बारिश के आधार पर 2 से 3 बार सिंचाई करने की जरूरत होती है। पहली सिंचाई फूल आने के समय, वहीं दूसरी सिंचाई फलियां बनने के समय की जाती है। सिंचाई करते हुए हमारे किसान भाई इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं कि फसलों में पानी न ठहरे, इसलिए वो खेतों में हल्की सिंचाई ही करते हैं जिससे फसल को नुकसान न पहुंचे। खेतों की सिंचाई करने के बाद बारी आती है इसमें खाद और उर्वरक डालने की, क्योंकि अच्छी पैदावार के लिए फसलों की देखभाल करना बहुत जरूरी है। और वैज्ञानिकों की माने तो एक अच्छे खेत में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस होना चाहिए। इसके अलावा खेतों में 100 से 125 किलोग्राम डाई अमोनियम फोस्टेट यानी कि DIP प्रति हेक्टर और साथ ही 20 किलोग्राम पोटाश भी होना चाहिए। और अगर फसल अच्छी करनी हो तो खेत की पहली जुताई के समय 20 टन गोबर की खाद अच्छी तरह से मिलाना चाहिए। जुताई, सिंचाई और खाद डालने के बाद किसान एक बार फिर से 2 हफ्तों का इंतजार करते हैं और अपनी फसल को बचाने के लिए इसमें अलग अलग तरह के कीटाणुनाशक का प्रयोग करके फसल को एकदम सकासक बना देते हैं, जिसके कुछ टाइम बाद यानी कि करीब 2 महीने के बाद फसलों को काटने की बारी आ जाती है, जिसके लिए किसान पहले इन फसलों को हाथों से काटते हैं और फिर इस बड़े से हार्वेस्टिंग मशीन में डाल देते हैं जो इन फसलों से मटर और भूसे को अलग कर देती है और इस तरह से मटर तैयार हो जाता है आपके खाने के स्वाद को 2 गुना करने के लिए।